हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गायत्री मेकओवर। इस वीडियो में मैं आपको हाइलाइट्स करना बताऊंगी। हाइलाइट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सिल्वर फॉइलिंग के अंदर और एक होता है कैप के द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, जो पतली पतली बेबी हाइलाइट्स होते हैं वो कैप के द्वारा होते हैं, उसे बोलते हैं कैप हाइलाइटिंग। तो सबसे पहले उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, जब बिगनर्स होते हैं उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है, जो निकालते हैं इस कैप के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, होल होते भी नहीं है बल्कि करने पड़ते हैं। एक क्रोशिया आता है स्टिक टाइप का, उससे बाल इस तरीके से लेकर के, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी कि किस तरीके से लेते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में करते हैं इसके कैप के द्वारा हाइलाइटिंग, बेबी हाइलाइट्स बोलते हैं उन्हें, पतले पतले बाल लेते हैं तो उन्हें निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग उसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक हमें याद रखना होता है कि जब हम किसी को हाईलाइट करते हैं तो उनके बाल बिल्कुल भी उलझे हुए ना हो, एकदम वॉश होने चाहिए। और वॉश करके उसे थोड़ा सा ड्रायर कर लो, अगर थोड़े से कर्ली बाल हैं, अगर स्ट्रेट बाल हैं, पतले बाल हैं, बिल्कुल सिल्की बाल हैं तो उसमें ना दिक्कत नहीं आती निकालने में। अगर बाल थोड़े से मोटे हैं और कर्ली बाल हैं तो उन्हें निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए स्पेशली वीडियो है कि ताकि मैं आपको टेक्निक बता सकूं और हाइलाइट्स निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो है मैं सिमरन के हाइलाइट्स कर रही थी, तो इसके बाल थोड़े से मोटे हैं और थोड़े से जो है वेवी से बाल हैं। तो मैंने सबसे पहले वॉश किया बालों को और उसके बाद जो है हल्का सा उस पर अच्छे से ड्रायर कर लिया। ड्रायर करने के बाद क्या होता है, हमारे बाल जो है बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। जब हम कैप के अंदर से बाल निकालते हैं तो वो बिल्कुल भी उलझते नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है, देखो कैप भी दो तरीके की आती हैं, एक तो ये जो मैंने कैप इनको लगाई है सिमी को, तो एक तो इस तरीके की आती है, एक आती है हैट की तरह आती है, मोटी सी जो प्लास्टिक सी की जो होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैं लास्ट में जब हाइलाइट्स निकाल दूंगी तो इसके ऊपर से जो प्रोडक्ट है लगा के उसे कवर करूँगी दूसरी कैप से, तो वो वाली भी कैप आप वीडियो को पूरा देखना तो आप वो कैप भी आप इसमें देख लोगे। बाकी अगर किसी ने किया हुआ है तो वो जानते ही होंगे। तो दोनों में तरीका ये सेम होता है, बट इसमें उसमें होल जो है छोटे छोटे करने पड़ते हैं, क्रोशिया से हो जाते हैं। इसे जो हाथ में मैं जो ले रही हूँ, जिससे बाल निकाल रही हूँ, इसे क्रोशिया बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका मेथड एक तो हो गया कि सबसे पहले बालों को वॉश करो, अच्छे से सुखा लो और ड्रायर कर लो या फिर प्रेसिंग कर लो, तो उससे बाल हमारा सही से निकल जाता है। दूसरा तरीका, दूसरी टेक्निक ये है कि सबसे पहले जो बाल निकालना स्टार्टिंग करते हैं वो हम क्राउन एरिया से करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले नेप एरिया का निकालेंगे या फिर फ्रंट से निकालना शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा बाल उलझ जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्राउन एरिया को कवर करो। इसमें सेक्शन बने हुए हैं, इस वाली जो कैप में है वो सेक्शन बने हुए हैं, दूसरे वाली जो कैप है उसमें सेक्शन नहीं होते, वो बिल्कुल राउंड होती है, लेकिन इसमें हम सेक्शन के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले क्राउन एरिया कवर कर लो, फिर ये साइड वाला कर लो, फिर दूसरी साइड वाला कर लो, और एक रबड़ ज़रूर लगा लो, नीचे रबड़ बैंड लगा लो। जब आप बाकी के बाल कैप पहना लेते हो और जब बाकी के बाल होते हैं, सारे बालों में रबड़ लगा लो हेयर इस तरीके से, और उससे क्या होगा कि जो हमारे हमने बेबी हाइलाइट्स निकाले हैं वो बिल्कुल अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट जो है हाइलाइट्स निकालने से पहले रख लिया था निकाल करके। तो इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जो जब हम सिल्वर फॉइल से हाइलाइटिंग करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लगता है, और कैप से अगर आप लोग हाइलाइटिंग करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट भी बहुत कम लगता है, कम ही क्वांटिटी में लगता है, क्योंकि सारे बाल कैप के ऊपर होते हैं और सारा प्रोडक्ट इकट्ठा लग जाता है। दूसरा फ़ायदा यह है कैप हाइलाइटिंग से कि जब सब लेयरिंग का, सारे जो मैंने हाइलाइट्स निकाले सब पे रिजल्ट इक्वल आता है और एक ही टाइम में आ जाता है। जब हम सिल्वर फॉइल से करते हैं हाइलाइटिंग तो उसमें क्या होता है, जो सबसे पहले हम लोग हाइलाइटिंग का प्रोडक्ट लगा लेते हैं वो सबसे पहले अपना प्रीलाइट हो जाती है, उसका कलर सबसे पहले कट डाउन हो जाता है। जो लास्ट में लगती है सिल्वर फॉइल के अंदर, वो तो एक एक खोल के चेक करनी पड़ती है, एक एक लेयरिंग को वॉश करना पड़ता है। लेकिन कैप हाइलाइटिंग में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि प्रोडक्ट भी कम लगता है, दूसरा सेम टाइम में सब लेयरिंग पर बिल्कुल सेम रिजल्ट आता है। तो इसमें मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो हम लोग ब्लोंडर और मैंने 40 वॉल्यूम से बनाया है, क्योंकि सिमरन के जो बाल हैं वो मोटे भी हैं और उस पर कोई केमिकल ट्रीटेड हेयर नहीं है, बिल्कुल वर्जन हेयर है। तो हम 40 वॉल्यूम से भी, क्योंकि मुझे जो लेवल लेकर के जाना था वो बिल्कुल 9 और 10 के
का लेवल लेके जाना था। तो अगर हमें कम लेवल कट डाउन करना है, 3 से 4 लेवल डाउन करना है, तो हम 30 वॉल्यूम यूज कर लेंगे। लेकिन मुझे पूरा का 10 लेवल तक लेके जाना था और बाल भी अच्छे हेल्थी हैं, तो मैंने 40 वॉल्यूम यूज किया है ब्लोंडर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जितना हमारा ब्लोंडर होता है उसमें उसका डबल क्वान्टिटी हम लोग 1.5 या फिर 2 प्रोडक्ट के हिसाब से जो हम लोग डाल लेते हैं, या तो फिर 1.5 गुना डाल लेते हैं ब्लोंडर, या फिर हम लोग 40 वॉल्यूम 1.5 गुना या फिर डबल करके डाल लेते हैं अगर हमें थोड़ा पतला चाहिए। और हमें जो लेवल है बिल्कुल 9-10 के लेवल का लेके जाना होता है, तो हम डबल करके डाल लेते हैं। उसके बाद अच्छे से अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद जो है मैं इन्हें कवर कर दूंगी। कवर करने से क्या होगा, क्योंकि पार्लर वगैरह में अगर एसी चल रहा है तो टाइम लगता है, फिर हीट नहीं बन पाती। तो अच्छे से हीट बनाने के लिए ये देखिए, जो मैं कैप आपको बता रही थी कि दूसरे वाली कैप है, ये इस तरीके की, ये भी हाइलाइटिंग कैप है। अगर हम लोग नीचे वाली कैप ना लगाएं और डायरेक्ट ये दूसरे वाली कैप लगाएं, तो इसमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं, और क्रोशिया के हेल्प से आप अपनी जो हाइलाइटिंग निकाल सकते हो। सेम मेथड वही रहेगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि जब हम इस वाली कैप का यूज करते हैं तो थोड़े बाल उलझते हैं, चिपकते हैं। तो आप इसमें ना हल्का सा जो टेलकम पाउडर होता है वो लगा लो कैप के अंदर, तो उससे बाल आपके जो है उलझेंगे नहीं और बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप स्टार्टिंग करो तो क्राउन एरिया से करो, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। और ये देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्री लाइटिंग कट डाउन हो गया है, लगभग 9-10 तक हमारा पहुंच गया है जो हमें चाहिए था। बीच बीच में हम खोल करके आधे घंटे के बाद चेक करते रहेंगे कि हमारा जो लेवल कट हुआ है वो कितना हमें चाहिए, और अगर क्योंकि मुझे तो 10-9-10 के लेवल का चाहिए था, बाकी अगर कम चाहिए तो आप लोग चेक करते रहें बीच बीच में। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जितना लेवल कट करना हो उसी कंडीशन पर आप जो है अपनी कैप उतार लें और बालों को वॉश कर दें। ऐसा नहीं है कि भाई आधा घंटा हो गया या फिर 1.5 घंटा 1 घंटा हो गया हमें तभी कैप उतार करके देखना, बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ज़्यादा हो गया तो फिर उस पर कलर चढ़ाना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, मैंने अब जब उसे अच्छे से मल्सीफाई भी कर लिया है कैप उतारने के बाद, ताकि हमारे बालों में बिल्कुल भी पैचेस ना पड़े और जो हाइलाइट्स हुई हैं वो बिल्कुल अच्छे से इक्वल हो जाए। आप लोग देख सकते हो कि मैं वॉश कर रही हूँ बालों को और कितनी अच्छा कलर आया, ये देखिएगा, ये कम से कम 10 लेवल तक हमारा पहुंच गया है। अब इसमें जो थोड़ा सा येलोनेस होती है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है पर्पल शैम्पू का यूज किया है। अब इसे अच्छे से बालों में लगा लेंगे, क्योंकि मुझे इन कलर पर जो है इन बालों पर कलर भी करना है, क्योंकि जो सिमरन का बेस कलर है वो, जो बेस कलर का मतलब होता है जो बालों का नेचुरल कलर जो था वो लगभग 2 या 3 लेवल का था। 2 या 3 लेवल का मतलब होता है बिल्कुल जैसे कि डार्क ब्राउन, एक नंबर का जो बाल होता है वो होता है ब्लैक, और दूसरा होता है डार्क ब्राउन और मीडियम ब्राउन, इस तरीके से इनके लेवल होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने बालों के लेवल भी समझाए हुए हैं, उसकी भी वीडियो आप सर्च कर लेना मेरे चैनल पर डली है। क्योंकि जो हमारे बेस कलर होते हैं वो होते हैं 10, तो उसमें ब्लैक से लेके और ब्लोंड तक के सारे शेड होते हैं। तो इसका जो बेस कलर है वो भी मैंने कम किया था, यानी कि जो 3 नंबर का बाल था सिमरन का वो मैं कम से कम 6-7 नंबर पर लेकर आई थी, और वो भी बिना प्री लाइटिंग के। उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में प्री लाइटिंग भी करना और हाइलाइट्स भी करना और कलर भी करना, सारा मेथड बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो उसके लिए अगर आप लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने हाइलाइट्स तो कर दी है, इन पर कलर मैं लगाऊंगी लेकिन बेस कलर के साथ लगाऊंगी, वो भी बिना प्री लाइटिंग के। आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी हाइलाइट्स हुई हैं, और देखो जो इसका जो बाल निकला है ना वो बिल्कुल ब्लैक, यानी कि डार्क ब्लैक है, 2 नंबर का हम कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी तो ये हाइलाइट्स ना बहुत अजीब दिखाई देंगी, ओवर दिखाई देंगी। तो इसका जो बेस कलर है उसे भी चेंज करेंगे। तो किस तरीके से मैं इसका बेस कलर चेंज करूंगी वो वीडियो आप दूसरे, इसका सेकंड पार्ट में डाल दूंगी, उसमें देखना कि हमने बिना प्री लाइटिंग के इनका बेस कलर कैसे चेंज किया। तो अब मैं अच्छे से इसे ड्रायर कर दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में आपको इतना ही दिखा रही हूँ। देखना, जो बेस कलर था ना वो थोड़ा लाइट हो गया, 6-7 लेवल पर चला गया, वो भी बिना प्री लाइटिंग के। तो कौन सी ट्यूब यूज़ करूँगी, किस तरीके से करूँगी, पूरे मेथड देखने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो ज़रूर देखना।
ये इसका फाइनल रिजल्ट है। तो आपको वीडियो कैसी लगी और किस तरीके से आपको मेरा समझाने का जो तरीका है, अगर वो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि बेस कलर को चेंज करने में बिना प्री लाइटिंग के बहुत दिक्कत होती है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।